नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। 24 अगस्त है और आज शनिवार का दिन है। इसी के साथ जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, कृष्ण जन्मोत्सव आज के दिन में है। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य जो हुआ था वो भाद्रपद मास में रोहिणी नक्षत्र था, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी और इस समय पर ये खास योग बन जाता है। इस बार तो अमृत सिद्धि योग भी बना हुआ है, तो ये मुहूर्त बहुत खास है। अगर बात करें टाइमिंग की तो इस बार अगर दोपहर के समय, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हो रहा है, तो बाल स्वरूप में, क्योंकि आप देखेंगे कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत स्नान दिन में भी कराया जाता है और रात में भी कराया जाता है। दिन में जो है, जैसे आपको कई सारे उपाय मैंने आपको बताए भी थे, कल भी हमने बात करी थी, उससे पहले भी बात करी थी कि भगवान श्री कृष्ण का इस दिन प्राकट्य हुआ था, तो आप लोगों को, क्योंकि 24 तारीख की उदय तिथि के हिसाब से 24 तारीख सही मानी जाएगी व्रत आदि करने के लिए भी और साथ ही में जन्माष्टमी के लिए भी। लेकिन साथ ही साथ में हम बात करें पूजा विधि की, तो आपको दोपहर में स्नान कराना है पंचामृत से। जिन लोगों की आर्थिक समस्याएं बहुत ज़्यादा रहती हैं, उनको दक्षिणावृति शंख में पंचामृत भर कर आप स्नान ज़रूर कराइए इस दिन। टाइमिंग की बात कर लें तो 12:04 से लेकर के लगभग 12:38 तक का जो समय रहेगा ये अभिजीत मुहूर्त रहेगा भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए दोपहर के समय में। यानी कि इस समय में आप भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराइए, उनको तुलसी दल आप अर्पित कीजिए, उनको वस्त्र आभूषण आप अर्पित कीजिए और ख़ासतौर पर इस समय पर आप दूध का भोग, माखन मिश्री का भोग आप लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात करें, क्योंकि रात्रि का समय, भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है वो अर्धरात्रि में, मध्य रात्रि में हुआ था, तो हम बात करें रात्रि के समय की, तो 12:07 से लेकर के 12:47 तक का जो समय है ये रहेगा निशीत काल रहेगा, पूजा के लिए सबसे शुभ समय रहेगा। इस समय पर आप भगवान श्री कृष्ण को पालने में बिठा करके, झूले में बिठा करके आप झूला ज़रूर झुलाइए। फिर से एक बार रात को 12 भी भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराया जाता है। जैसे एक छोटे बच्चे का जन्म होता है, तरह से आप उसका उसकी केयरिंग करते हैं, उसी तरह से, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ भगवान श्री कृष्ण की पूजा में भाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिस भी भाव से आप भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं, वैसे ही एक तरह से आपको रिटर्न में चीज़ें मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं पे आपके मन में वो भाव ज़रूर होना चाहिए। चाहे कुछ भी आप भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कीजिए प्रसाद के रूप में, भोग के रूप में, तो आपके मन में उस तरह का पॉजिटिविटी जो है, वो भाव जो है, हमेशा रहना चाहिए। इसके बाद हम बात करें, इस दिन तुलसी दल का प्रयोग किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप धनिये की पंजीरी बनाएंगे, माखन मिश्री का प्रसाद आप अर्पित करेंगे भगवान श्री कृष्ण को, या फिर आप जो पंचमेवे की बनी हुई मिठाई आप अर्पित करेंगे, हर चीज़ में तुलसी का पत्र ज़रूर आप डालिए। जिन लोगों के घर में रोग बहुत ज़्यादा रहता है, कहीं ना कहीं पे हेल्थ इश्यूज लगातार चलते रहते हैं, तो आज खुद से आप घर में ही बनाकर तुलसी की एक माला बना करके आज भगवान श्री कृष्ण को ज़रूर अर्पित कीजिए। आपके घर में से रोग, कलह, कलेश जो है वो खत्म हो जाएगा। जिस समय पर आप भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराएंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करते रहें। आज पूरे दिन भर में भी इस मंत्र का जाप किया जाना बहुत अच्छा रहेगा। और आप जानते हैं कि जन्माष्टमी ऐसी कई तिथियों में से एक होती है जिस समय पर तंत्र और मंत्र किया जाता है। यानी कि मंत्रों को अगर सिद्ध करना हो तो जन्माष्टमी का दिन, जन्माष्टमी की रात्रि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं किसी भी मंत्र को सिद्ध करना, गायत्री मंत्र को सिद्ध करना चाहें, तो इस दिन रात्रि के समय आप जाप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी भी मंत्र को सिद्ध करना, तो इस रात्रि के समय में उस मंत्र का जाप किया जा सकता है। अगर हम बात करें कि रात्रि के समय में खासतौर पे, क्योंकि फास्ट किया जाता है जन्माष्टमी का, जो व्रत जो लोग रखते हैं, तो फलाहार जो है रात्रि के समय आप ग्रहण करेंगे। कोशिश कीजिए, अगर आप संकल्प लेकर के भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, अगर आपके मन में कोई मनोकामना है ऐसी, तो इस दिन रात्रि के समय में फलाहार आप ग्रहण कीजिए और उसके बाद अगले दिन आप पारण कीजिए। अगले दिन आप व्रत जो है वो खोल सकते हैं 25 तारीख को। बात करें जो लोग निसंतान होते हैं, मैं हर बार ये उपाय आपको बताती आ रही हूँ, लेकिन एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, जो लोग निसंतान हैं, इस दिन अपने घर में तुलसी का पौधा ज़रूर लेकर के आएँ, दंपति साथ में लेकर के आएँ, उसे साथ में सींचना शुरू करें और ध्यान रखें कि वो पौधा सूखे नहीं। लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा जो है, उनका विग्रह जो है, उनकी प्रतिमा दिन घर में ज़रूर लेकर के आनी चाहिए, और जिनके घर में है वो उस
तरह से बाल गोपाल को पूजें, हर दिन उनको माखन मिश्री का भोग लगाएं। इस दिन से एक नियम बना लें कि आप भगवान श्री कृष्ण को सुबह और शाम दूध का भोग ज़रूर लगाएंगे। तो ये उपाय खास करने से आप देखेंगे आपके जीवन में से तमाम मुश्किलें जो है वो खत्म होंगी। तो चलिए इसी के साथ अब बात करते हैं आपकी राशियों की और जानते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। मेष राशि वाले जो लोग हैं आज के दिन में कार्ड निकल रहे हैं 10 of Cups एंड 6 of Swords, सेहत में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं पर नई प्लानिंग्स करेंगे आप लोग और पुराने रुके हुए काम आज पूरे हो सकते हैं। किसी भी काम को नए तरीके से करने की कोशिश करेंगे। सीनियर्स आज आपके काम की तारीफ, आपके काम की सराहना ज़रूर करेंगे। 9 of Cups दैट मीन्स एक तरह का इम्प्लीमेंटेशन, एक काम को सही तरीके से करने का जो प्रयास है वो किया जा सकता है। रिलेशनशिप्स में आज आपके संबंध जो है उसमें मधुरता बढ़ती हुई नज़र आ रही है। दूसरे के साथ तालमेल बहुत अच्छा बनेगा। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अध्ययन पर अपना फोकस करने की ज़रूरत है। आप जितना लर्निंग करते हैं आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन लर्निंग किस पैटर्न में कर रहे हैं वो ध्यान देने की ज़रूरत है। जो स्टूडेंट्स हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता या फिर किसी कारणवश आप फोकस नहीं बना पा रहे हैं, आज भगवद गीता के एक अध्याय का पाठ ज़रूर कीजिए। वृषभ राशि कार्ड्स निकल रहे हैं 8 of Pentacles एंड 5 of Wands। आज का जो दिन रहेगा परिवार को सुख समृद्धि मिलेगी और खासतौर पर सुविधाओं का फ़ायदा आप लोग उठा पाएंगे। संतान की चिंताओं का निवारण होगा। अपने चरित्र को साफ सुथरा रखें, नहीं तो आज कोई भी आपके ऊपर उंगली उठा सकता है। वृषभ राशि वालों को ध्यान रखना चाहिए किसी भी कार्य को करते समय आप दूसरों का इंटरफेरेंस, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस आज नहीं होने दें। किसी की भी बातों को आप अपने ऊपर एज अ एक तरह से कमेंट्स के तरीके से मत लीजिए। हो सके तो आज जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। और वैसे भी आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भी है। आज अपने घर में बांसुरी ज़रूर लेकर के आएंगे और कोशिश करेंगे भगवान श्री कृष्ण को संध्या काल के समय माखन मिश्री का भोग ज़रूर लगाएंगे। जेमिनाइज द मजिशियन एंड 2 of Swords कार्ड निकल रहा है। आप लोगों के लिए लंबी और लाभदायक यात्रा होने की पूर्ण संभावना बन रही है। अचानक से किसी दूर गए मित्र से कोई अच्छा समाचार, कोई शुभ समाचार आप लोगों को मिल सकता है। तालमेल अच्छा बनाने के लिए आपको थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ेगी। आज हो सकता है थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए पर्सनल रिलेशनशिप्स के अंदर। उपाय की बात करी जाए तो मिथुन राशि वाले लोग जो हैं कोशिश करेंगे आज विष्णु सहस्रनाम का पाठ ज़रूर करें। कर्क राशि 2 of Wands एंड क्वीन ऑफ सॉल्ट्स कार्ड निकल रहा है। कंसेरेंस के लिए निजी दायित्वों की पूर्ति होगी। आज मांगलिक कार्य जो है उसकी चर्चा हो सकती है। संतान के व्यवहार पर नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कर्क राशि वालों के लिए उपाय छोटा सा रहेगा। आज के दिन में आप कोशिश करेंगे किसी भी मंदिर में जाकर के अनाज का दान ज़रूर करें या किसी नीडी पर्सन को खाने की सामग्री दान की जा सकती है। सिंह राशि द हर्मिट एंड 9 of Swords कार्ड निकल रहा है। लियोस के लिए पारिवारिक मामलों में बुजुर्गों की नसीहतें जो है उसको ध्यान में रखें, धन लाभ मिलेगा। अपने कार्यों पर विशेष ध्यान दें, आपका काम में भी मन लगता हुआ नजर आ रहा है। सिंह राशि वालों के लिए उपाय छोटा सा है। आज के दिन में प्रेयर्स जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। दैट मीन्स कि कई बार ऐसा होता है हम पूजा करते हैं, हम सही विधि भी फॉलो कर लेते हैं, लेकिन हम प्रेयर नहीं करते, हम एक तरह से भगवान से अपने मन की बात नहीं कहते। तो आज तो कृष्ण जन्माष्टमी भी है और भगवान श्री कृष्ण तो खुद ऐसे कहते हैं कि जो मेरी पूजा करता है उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आता। भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान ने ऐसा कहा है कि सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा सुचा। तो आज भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लीजिए आप लोग, आपके जीवन में से सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बात करेंगे अब कन्या राशि द एम्प्रेस एंड द जजमेंट कार्ड निकल रहा है। नशे की लत से बचने की ज़रूरत है। आज किसी भी तरह के एडिक्शन से दूर रहेगा, कोशिश कीजिएगा अगर नॉनवेज खाते हैं तो आज के दिन में किसी भी तरह के एडिक्शन से आप नॉन वेजिटेरियन खाना ना खाएं। कानूनी वाद विवाद का निपटारा जो है वो आपके पक्ष में होता हुआ नज़र आ रहा है। अपना हित को समझने का प्रयास करें। जिन लोगों के साथ मिलना जुलना ठीक नहीं है या जो लोग आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव एडवाइसेस देते हैं उन लोगों से थोड़ा सा दरकिनार खुद को कर लें तो बेहतर होगा। कन्या राशि वालों के लिए उपाय आज के दिन का ये रहेगा कि आपको संध्या काल के समय तुलसी में दीपक जलाना है और तुलसी का एक पत्र या तुलसी की एक माला बना करके, जैसे मैंने आपसे कहा था, वो भगवान विष्णु को या श्री कृष्ण भगवान को ज़रूर अर्पित कीजिएगा। तुला राशि कार्ड निकल रहे हैं द स्टार एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। स्वाज नीतिगत प्रशंसा आप लोगों को मिल सकती है। कोई ऐसा कार्य बन सकता है जो आपके लिए लाभकारी रहेगा और खास तौर पे आज तुला राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। घर में राधा कृष्ण का कोई भी विग्रह लेकर के आना और उसे नियमित रूप से पूजा करना।
वृश्चिक राशि नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस कार्ड निकल रहा है, जमीन जायदाद से लाभ हो सकता है। मित्रों से परामर्श करने से आपके लिए ज़रूरी है कि उसके बाद ही आप कोई फैसला करें, किसी से सलाह मशवरा ज़रूर कर लीजिए। खुद से सोच समझ के अगर डिसीजन लेंगे तो मे बी कन्फ्यूजन्स पड़ सकती हैं। साझेदारी से सावधानी आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरी रहेगी, यानी कि पार्टनरशिप में अगर कोई काम करने जा रहे हैं तो उसमें सावधान रहिए, डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से पढ़ लीजिए। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन हालांकि अच्छा रहेगा, आपको हर जगह से आइडियाज़ नए ज़रूर मिलेंगे और करियर में ग्रोथ दिखाई दे रही है। जो लोग विदेश जाने के बारे में सोच रहे थे, मे बी यू कैन प्लान, ये समय है जिसमें कि आपका वीजा क्लियरेंस हो सकता है, चीजें आगे बढ़ सकती हैं। स्कॉर्पियो के लिए उपाय रहेगा, आज के दिन में भगवान विष्णु को इलायची का भोग जरूर लगाइए। जो भी आपने मिष्ठान बनाया है उसमें भी आप इलायची डाल करके भोग लगा सकते हैं, हो सके तो उस प्रसाद को आप जितने ज्यादा लोगों में बांट सकते हैं लोगों में बांटने का प्रयास कीजिए। आर्थिक समस्याएं आपकी हल होंगी। धनुराशि द लवर्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड निकल रहा है, आप लोगों के लिए राज्य के सम्मान जो है वो मिलेगा, आप लोगों को मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रुका हुआ काम मिल सकता है, आज लाभ मिलेगा, धन प्राप्ति के योग भी नजर आ रहे हैं और भूमि भवन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य आज पूरा हो सकता है। उपाय की बात करी जाए तो आज के दिन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा तो आपको करनी है, साथ ही में किसी भी मंदिर में जाकर के कोशिश करनी है कि केले का प्रसाद आपको वितरित करना है, जितने ज़्यादा लोगों में वितरित करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि, नाइन ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड कार्ड निकल रहा है, कार्य क्षेत्र से आप लोगों को धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक कार्य में व्यस्तता रहेगी। आज शारीरिक कष्ट थोड़ा सा संभव, जिन लोगों की हेल्थ इशूज़ पहले से चल रहे हैं आज थोड़ा सतर्क रहेगा, लेकिन आपकी सूझबूझ जो है बिगड़ते हुए कामों को भी आज बना सकती है। मकर राशि वालों के लिए उपाय आज के दिन का ये रहेगा, बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को आज ज़रूर अर्पित कीजिए, संबंधों में मिठास बढ़ेगी। कुंभ राशि कार्ड निकल रहे हैं, पेज ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस, एक्वायरेंस के लिए मांगलिक कार्यों की चर्चा हो सकती है, अतिरिक्त खर्चों का बोझ जो है आज वो बढ़ सकता है, तो स्ट्रेस थोड़ा सा रहेगा, संतान के व्यवहार पर नज़र ज़रूर रखें। कुंभ राशि वाले जो लोग हैं, उपाय की बात करी जाए आप लोगों के लिए तो कोशिश करेंगे विष्णु सहस्रनाम का पाठ संध्या काल के समय ज़रूर करें। मीन राशि की बात कर लेते हैं, कार्ड निकल रहे हैं, सेवन ऑफ पेंटाकल्स एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स, तो लंबी और लाभदायक यात्राएं होने की संभावनाएं बन रही हैं, अचानक से किसी दूर गए मित्र के संबंध जो हैं उनके साथ रिलेशनशिप्स बेहतर हो सकते हैं, उनसे कोई सुखद समाचार भी मिल सकता है। आज साहसिक कार्यों की अनदेखी हो सकती है, मे बी किसी काम को अगर आप रिस्क लेकर के पूरा करने की कोशिश कर रहे थे तो आज उसे बीच में ही हो सकता है आप लोग छोड़ दें। किसी की हेल्प, किसी का सपोर्ट आज के दिन में मिलता हुआ नजर आ रहा है। मीन राशि वाले जो लोग हैं, कोशिश करेंगे आज रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण की आरती जरूर करें। इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैं आशा करती हूँ खास उपाय आपके जीवन में भी खुशहाली लेकर के आए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग एस्ट्रो टेक के साथ।